जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, सभी जीवित प्राणी पोषण की प्रक्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जिनकी सहायता से उन्हें विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन एक जारणकारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन जैसे खाद्य पदार्थों का शरीर के ऊतकों में जारण अथवा ऑक्सीकरण होता है और इस प्रक्रिया से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा का क्रमिक निर्माण होता रहता है। इस प्रकार विमुक्त ऊर्जा अस्थायी रूप से ATP के रूप में संचित होती है। श्वास लेना और श्वसन में बड़ा अंतर है। हम जानते हैं कि श्वास लेना गैसों के सामान्य आदान प्रदान की प्रक्रिया है। हाँ अंकिता, श्वास लेने के दौरान एक संगठित शरीर रचना वातावरण से ऑक्सीजन अंदर खींचती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ती है, जबकि श्वसन वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें पचा हुआ भोजन ऑक्सीकरण अथवा जारण के पश्चात शरीर को रासायनिक ऊर्जा देता है। तो आओ इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: ऑक्सीजन के उपयोग के आधार पर श्वसन के प्रकार का पता लगाना, अवायु श्वसन और वायु श्वसन को समझना, न्यून और उच्च जीवों में श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया का पता लगाना, मानव श्वसन प्रणाली का समझना, नथुने, नासिका, गुहा, कंठ नली, श्वास नली, श्वसनी, सूक्ष्म श्वास नली, वायु कोष्ठिका, फेफड़े एवं डायाफ्राम अर्थात मध्यपट की संरचना और कार्यों को समझना, फेफड़ों के फैलाव एवं क्षमताओं को समझना, रक्त में गैसों के परिवहन को समझना, श्वसन अनुपात RQ का अध्ययन करना, धूम्रपान के बुरे प्रभावों का अध्ययन करना। श्वसन के प्रकार। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अवायु श्वसन एवं वायु श्वसन। अवायु श्वसन वह श्वसन है जिसमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि वायु श्वसन में श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि उच्च जीवों में श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन एवं कोशिकीय श्वसन क्षमता होती है? अवायु श्वसन। जब ऐसी श्वसन प्रक्रिया जिसमें बिना आण्विक ऑक्सीजन के उपयोग के ही भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ऐसे श्वसन को अवायु श्वसन कहा जाता है। अवायु श्वसन के कुछ सामान्य उदाहरण हैं: जीवाणु, खमीर, परजीवी कृमि जैसे त्रिमुख गोल कृमि, फीता कृमि, फैसिओला आदि। सूक्ष्म जीवों में अवायु श्वसन के स्थान पर सामान्यतः किण्वन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों अथवा उनके एंजाइमों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स एवं अन्य कार्बनिक यौगिकों का अवायवीय टूटन द्वारा अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल, गैस आदि में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को किण्वन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वायु श्वसन। जब श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो इसे वायु श्वसन कहा जाता है। उदाहरण: अधिकांश पेड़ पौधे एवं पशु। क्या आप जानते हैं कि जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। इसमें भी 3 कार्बन अणु होते हैं। अगर हम अचानक कुछ करते हैं तो लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण
हमारी पेशियों में अकड़न पैदा हो जाती है। बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त एवं वायु के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें केवल ऑक्सीजन ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, उत्प्रेरण यानी सांस लेना एवं उच्छ्वासन। उत्प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वच्छ वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया में झिल्ली यानी डायाफ्राम सपाट हो जाती है और स्नायु तंतुओं में संकुचन द्वारा नीचे की दिशा में दबती है एवं इस प्रकार वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। बाह्य पसलियों के बीच की मांसपेशियां पसलियों एवं उरोस्थी में ऊपर एवं बाहर की दिशा में संकुचन एवं खिंचाव उत्पन्न करती हैं और इस प्रकार वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। उच्छ्वासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 को बाहर निकाला जाता है। डायाफ्राम यानी झिल्ली के स्नायु तंतु जब शिथिल पड़ते हैं तो यह उत्तल आकार ग्रहण कर लेते हैं और तब वक्ष गुहा के आयतन में भी कमी आ जाती है। बाह्य पसलियों के बीच की मांसपेशियां जब शिथिल हों और पसलियों में भीतर की तरफ एवं नीचे की दिशा में खिंचाव उत्पन्न करें तो इस प्रकार वक्ष गुहा के आयतन में कमी आती है। आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त एवं ऊतक द्रव और ऊतक द्रव एवं कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं चयापचय के लिए ऑक्सीजन यानी O2 का उपयोग करती हैं एवं अवशेष के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जित करती हैं। न्यून जीवों में गैसों का विनिमय। न्यून जीवों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, अतः एक कोशिकीय जीवों में कोशिका एवं बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की सभी कोशिकाएं श्वसन में भाग लेती हैं। सभी कोशिकाएं सीधे तौर पर जल से संपर्कित रहती हैं, इसलिए आसपास के जल में घुले ऑक्सीजन का शरीर की कोशिकाओं के कार्बन डाइऑक्साइड से सीधा विनिमय होता है। इसे त्वचा श्वसन के नाम से जाना जाता है। कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन रहती है उसका उपयोग शर्करा के ऑक्सीकरण में होता है और इससे CO2, जल एवं ऊर्जा समृद्ध अणुओं का निर्माण होता है। कुछ सामान्य उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीसियम, स्पंज एवं कोलेंटेरेट। उन्नत जीवों में गैसों का विनिमय। उन्नत जीवों के शरीर की भित्ति मोटी होती है, परिणाम स्वरूप विसरण संभव नहीं होता एवं इनमें चयापचय की दर भी उच्च होती है, अतः इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उन्नत जीवों में गैसों के विनिमय अर्थात आदान प्रदान के लिए विशेष श्वसन अंग होते हैं। शरीर की कोशिकाओं एवं श्वसन अंग के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए इनमें रक्त नाड़ी तंत्र भी होता है। उन्नत जीवों में गैसों का संवहन त्वचा, गलफड़ा, श्वास नली अथवा फेफड़ों से हो सकता है। उभयचर एवं एनेलिड त्वचा श्वसन करते हैं। वैसी त्वचा से गैसों का संवहन हो सकता है जो पतली, नमीयुक्त, संवहनी एवं पारगम्य होती हैं
इसे त्वचीय श्वसन भी कहा जाता है। कड़ी खाल वाले जानवर, उपास्थि वाली मछलियां, बोनी मछलियां एवं मेंढकों जैसे उभयचर गलफड़ा श्वसन करते हैं। इस प्रकार के श्वसन को क्लोम श्वसन भी कहा जाता है। ऑक्सीजन जल से ग्रहण किया जाता है। जल में खुले ऑक्सीजन एवं गिल लामेल्ले की रक्त कोशिका में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय तब होता है जब जल गलफड़ों के ऊपर से गुजरता है। कीड़ों मकोड़ों में श्वास नली द्वारा श्वसन क्रिया होती है। श्वसन अंग वस्तुतः उच्च स्तरीय वायु नलिकाओं का गुच्छ होता है जिसे श्वसनी के नाम से जाना जाता है। यह श्वसनियां छोटी छोटी नली छिद्रों द्वारा वायु से जुड़ी रहती हैं, जिन्हें विवर कहा जाता है। फेफड़ों द्वारा श्वसन भूमि पर रहने वाले जानवरों एवं मनुष्यों में होता है। फेफड़े श्वसन अंग हैं। इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहा जाता है। यह श्वसन प्रणाली के सहयोग से होता है। मानव श्वसन प्रणाली। मानव श्वसन प्रणाली का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संवहन वाला भाग अत्यधिक जटिल है। ममेलियन श्वसन प्रणाली अर्थात स्तन ग्रंथि से जुड़ी श्वसन प्रणाली में नथुने, नासापट के प्रत्येक ओर एक गुहा, कंठ नली, श्वास नली, श्वसनी, श्वासोप नलिका, वायु कोष्ठिका, फेफड़े, डायाफ्राम, मध्यपट अथवा झिल्ली सम्मिलित हैं। नथुने, नाक के दोनों छिद्रों को नथुना कहते हैं। यह संयुक्त रूप से नासिका कक्षों में जाकर खुलती हैं। नासिका रंध्र। यह नासिका पट द्वारा दो नासिका कक्षों में विभक्त हैं। प्रत्येक नासिका कक्ष में तीन क्षेत्र होते हैं अर्थात कर्ण कोटर, श्वसन एवं घ्राण क्षेत्र। कंठ नली। कंठ नली में ध्वनि उत्पन्न करने वाला लचीला तंतु अर्थात स्वर रज्जु होता है जिसे कंठ कहते हैं। स्त्री और पुरुष की कंठ नली के आकार में थोड़ा अंतर रहता है। पुरुषों में यह बड़ा एवं प्रभावी होता है और इसीलिए पुरुषों की कंठ नली को टेंटुआ कहा जाता है। मनुष्य की कंठ नली में कंठ द्वार, उपास्थि, कष्ठिका अस्थि, थायराइड झिल्ली, स्वर रज्जु, स्वर यंत्र स्नायुबंध और मांसपेशियां होती हैं। कंठ द्वार ग्रसनी में जाकर खुलता है जो कंठ नली से जाकर मिलती है। उपास्थि के 9 टुकड़े होते हैं, 3 एकल एवं 3 युगल। उपकंठ एक पत्ती जैसी संरचना है जो निगलते वक्त भोजन को श्वसन तंत्र में प्रवेश से रोकता है। श्वास नली। श्वास नली अथवा श्वास नाल कंठ नली के साथ श्रेणीबद्ध होती है। श्वास नली एक अर्ध चंद्राकार पारदर्शी वलय से जुड़ी रहती है। श्वास नली की श्लेष्मल झिल्ली के साथ एक क्रमबद्ध छदम स्त्रीकृत रोमक उपकला रहती है जिसमें बलगम युक्त स्रावित चषक कोशिकाएं होती हैं और यह श्लेष्मय झिल्ली को बाहर धकेलने में मदद करती है। श्वसन नलियां। श्वसनी बहुवचन श्वसनिया, विशेषण श्वसनी संबंधी। श्वसन प्रणाली का वह वायु मार्ग है जो वायु के फेफड़ों तक खींचता है। श्वासोप नलिका। श्वसनी गुच्छ में छोटी नलिकाएं होती हैं जिन्हें श्वासोप नलिका कहते हैं। फेफड़े के इस भाग में गैसों का विनिमय नहीं होता है। वायु कोष्ठिका। वायु कोष्ठिकाएं
फेफड़ों की परम संरचनात्मक एवं शारीरिक इकाइयां हैं। वायु कोष्ठिका गैसों के विनिमय के लिए विसरण द्वारा बहुत बड़ी सतह जैसे स्तनधारियों की आंत में विली उपलब्ध कराती हैं। गैसों का विनिमय वायु कोष्ठिकाओं की श्वसन झिल्ली में सर्वत्र होता है। फेफड़े। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली से ढका होता है जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े को ढकने वाली बाहरी झिल्ली को पार्श्व फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े को ढकने वाली भीतरी झिल्ली को आंत्र फुसफुस आवरण कहते हैं। मनुष्य के दाहिने फेफड़े में 3 परलिकाएं होती हैं एवं बाएं फेफड़े में 2। डायाफ्राम अर्थात मध्यपट। डायाफ्राम अर्थात मध्यपट गुंबदाकार मांसपेशीय संरचना है जो वक्ष एवं उदर गुहाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं। डायाफ्राम स्तनधारियों की विशेषता है। डायाफ्राम की आपूर्ति मध्य छद नसों द्वारा की जाती है। डायाफ्राम में छेद होने की स्थिति में सांस रुक सकती है और यह प्राण घातक हो सकता है। श्वसन एवं फेफड़े का आयतन एवं क्षमताएं। 4 प्रकार के श्वसन आयतन होते हैं। ज्वारीय आयतन अर्थात टाइटल वॉल्यूम यानी टीवी, श्वास ग्रहणात्मक निग्रह आयतन अर्थात इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV, श्वास निस्सरण निग्रह आयतन अर्थात एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV एवं अवशिष्ट आयतन अर्थात रेसिड्यूल वॉल्यूम यानी RV। इसी प्रकार 4 श्वसन क्षमताएं भी होती हैं। श्वास ग्रहणात्मक क्षमता अर्थात इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता अर्थात फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी FRC, महत्वपूर्ण क्षमता अर्थात वाइटल कैपेसिटी यानी VC एवं फेफड़ों की क्षमता अर्थात टोटल लंग कैपेसिटी यानी TLC। श्वास गति को अंकित करने वाले यंत्र को स्पायरोग्राम कहा जाता है। हवा की वह मात्रा जिसे फेफड़े वहन कर सकते हैं, संग्रहित रख सकते हैं अथवा विभिन्न परिस्थितियों में छोड़ सकते हैं, इसको फुफ्फुसीय आयतन कहते हैं एवं 2 अथवा 2 से अधिक फुफ्फुसीय परिमाणों के योग को फुफ्फुसीय क्षमता कहते हैं। फुफ्फुसीय आयतन को मापने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसे सामान्यतः स्पायरोमीटर अथवा रेस्पायरोमीटर कहा जाता है। रक्त में गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन रक्ताणु में उपस्थित श्वसन वर्णक यानी हीमोग्लोबिन RBCs की सहायता से रक्त द्वारा 98.5% ऑक्सीजन O2 का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में ऑक्सीजन के अधिकतम 4 अणु होते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन यानी O2 होता है। इस प्रकार 100 ml शुद्ध रक्त में 20 ml ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। रक्त द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन की तुलना में बहुत आसान होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जल में घुलनशीलता का स्तर उच्च है। परिवहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का 7% प्लाज्मा में विघटित हो जाता है, जबकि 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में एवं 70% बाइकार्बोनेट के रूप में। अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का प्लाज्मा में परिवहन सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में रक्त द्वारा होता है।
श्वसन अनुपात RQ, निर्मुक्त किए गए CO2 के आयतन एवं अवशोषित O2 के आयतन के अनुपात को श्वसन अनुपात कहा जाता है। श्वसन अनुपात अर्थात RQ का अधः स्तर अर्थात सबस्ट्रेट के परिमाण पर निर्भर करता है। यद्यपि RQ के निर्धारण से हमें श्वसन में उपयोग किए जा रहे सबस्ट्रेट की प्रकृति और चयापचय के प्रकार का पता चलता है। धूम्रपान के बुरे प्रभाव। तंबाकू के धुएं में भारी मात्रा में जहरीले रसायन होते हैं जो मानव के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। इससे फेफड़ों का कैंसर, खांसी, ब्रोंकाइटिस अर्थात फेफड़े में सूजन, वात स्फीति एवं कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता हो सकती है। क्या आप जानते हैं, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा की तरह है। श्वसन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग ADP एवं अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP अणु के निर्माण में होता है। कोशिका में ऊष्मा शोषी प्रक्रिया संपन्न कराने के बाद रासायनिक प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस ATP का उपयोग किया जाता है। जब जल के उपयोग से ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज विघटित होता है तो इस प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो 30.5 kJ मोल के बराबर होती है। मांसपेशियों के संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेगों के चालन एवं अन्य अनेक गतिविधियों के लिए कोशिकाओं में ATP का उपयोग होता है। यदि वायु कोशीय सतह में फैला जाता है तो यह लगभग 80 m² वर्ग आयतन आच्छादित करेगा। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के स्थानांतरण के लिए विसरण किया जाता है तो ऑक्सीजन के एक अणु को फेफड़े से पैर की उंगलियों तक संचरण करने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। श्वसन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। पसली की मांसपेशियां एवं डायाफ्राम सांस लेने में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीजन की सहायता से वायु श्वसन होता है और इसी के कारण हेक्सोज पूर्णतः विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिणत हो जाता है। अवायु श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें अधः स्तर अर्थात सबस्ट्रेट का अपूर्ण विघटन होता है। न्यून जीवों में त्वचा श्वसन, जबकि उच्च जीवों में श्वसन के लिए विशेष श्वसन अंग होते हैं, जैसे एनालिड में त्वचा, कीटों में श्वास नलिये, उभयचरों में फेफड़े एवं त्वचा, कड़े खोल वाले जानवरों अर्थात क्रस्टेशियनों एवं मछलियों में गलफड़ा, और स्तनपायियों पक्षियों एवं सरीसृपों में फेफड़े। मानव की श्वसन प्रणाली का गठन नासिका छिद्रों, नासिका कक्ष, कंठ द्वार, श्वास नली, श्वसनी एवं फेफड़ों के अंदर ब्रोंकियल इंटरकॉम के मिलने से होता है। तंबाकू के धुएं में भारी मात्रा में जहरीले रसायन होते हैं जो मानव के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। इससे फेफड़ों का कैंसर, खांसी, ब्रोंकाइटिस अर्थात फेफड़े में सूजन, वात स्फीति एवं कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता हो सकती है।